तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है एंड और ऑपरेटर पे बेस्ड है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा 2016 का क्वेश्चन है, ये जेई में 2016 में पूछा गया था, ओके। तो हमें जो ये दिया गया है, हमें बताना है ये किसके इक्विवेलेंट है, ओके। तो हमें ये सॉल्व करने पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ओके। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है सब, तो हम इसे पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर लेंगे तो हमें बनाने में ईजी होगा। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहला पार्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा और फाइनल पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो हमें ये पार्ट बाई पार्ट करना है ताकि हमें ईजी रहे। और इसमें निगेशन भी है, तो हम सबसे पहले निगेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले पी का निगेशन और क्यू का निगेशन, क्यू का निगेशन पी का निगेशन सीधे वहाँ से उल्टा कर देना, सीधे उसके अपोजिट। तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है पी, तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और ये ट्रू फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू, मतलब जस्ट इसके अपोजिट। ये जो है इसके अपोजिट, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इसके बाद हमें सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो इसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, निगेशन ऑफ क्यू। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, थोड़ी देर पहले, कि एंड ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं। ये एंड ऑपरेटर है, तो हमें इसका यूज करना है। एंड ऑपरेटर में सारे के सारे फॉल्स होते हैं। ट्रू कभी होगा जब दोनों के दोनों रिजल्ट ट्रू हो, तभी जाके वो ट्रू होगा, ओके। तो ये हमें पी और एंड ऑपरेटर करना है, निगेशन ऑफ क्यू। तो हमें इन दोनों के साथ ऑपरेशन करना है, एंड ऑपरेटर। तो पहला ये ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, देन ट्रू, अगेन ये फॉल्स, ये फॉल्स, देन फॉल्स, अगेन ये फॉल्स, ये ट्रू, देन फॉल्स। मतलब एंड ऑपरेटर में तभी ट्रू होगा जबकि दोनों के दोनों रिजल्ट, दोनों के दोनों पी एंड क्यू ट्रू हो, ओके ओके। अब आते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन पे। जो सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा क्या है, निगेशन ऑफ पी, ये एंड ऑपरेटर क्यू। यहाँ पे भी अगेन एंड ऑपरेटर है, तो अब हमें ये नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी क्या है, ये, और किसके साथ, क्यू के साथ। हमें अब इन दोनों का चाहिए, एंड ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, तो क्या होगा, फॉल्स, बिकॉज एंड ऑपरेटर के लिए दोनों के दोनों रिजल्ट ट्रू चाहिए, तभी वो ट्रू होगा। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, अगेन फॉल्स, अगेन ट्रू ट्रू, देन ट्रू, या राइट, और ट्रू फॉल्स फॉल्स, दिस इज फॉल्स। अब लास्ट सबको कंबाइन करके करना है। तो क्या करते हैं ना कि इसे एक्स मान लेते, इसे वाई मान लेते, ओके, हमें ईजी होगा। तो जैसे यहाँ पे एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, या फिर ऐसे कर लेते, नंबरिंग दे लेते, नंबर एक ये वाला एक्सप्रेशन, उसके बाद इसके साथ ये और ऑपरेटर है क्यू, अगेन और ऑपरेटर, और ये हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है, सॉरी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। हमें फर्स्ट और ऑपरेटर क्यू, और ऑपरेटर इक्वेशन थर्ड करना है, ओके, सबसे पहले। तो हमें ये और क्यू के साथ करना है, क्या, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का क्या होता है कि इसमें एक भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। फॉल्स होने के लिए हमें मतलब तीनों के तीनों फॉल्स होने पड़ेंगे, मतलब सभी फॉल्स होगा तभी जाके फॉल्स हो सकता है, वरना ट्रू होगा। तो यहाँ पे हमें ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो हमें किसी से मतलब नहीं, एक भी ट्रू हो जाए रिजल्ट ट्रू ट्रू। उसके बाद ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो एक भी ट्रू हो गया, तो यहाँ पे एक ट्रू हो गया ट्रू। अगेन ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो हमें एक भी ट्रू हो जाए तो हमारा ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे दो दो ट्रू मिल गए, ये ट्रू है। अगेन ये फॉल्स है, 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 यहाँ पे तीनों फॉल्स हो गए, तो जाके इस केस में ये फॉल्स होगा, ओके। अब हमें बताना है कि ये जो है, मतलब हमारा जो रिजल्ट आया ये वाला, ये किसके इक्विवेलेंट है, ओके, ये बताना है। तो यहाँ पे देखो किसकी इक्विवेलेंट इसमें कोई दिख रहा है, इसमें तो कोई नहीं दिख रहा, ओके,
चलो ठीक है, हमने यहाँ पे इसका ये वाला एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये किससे मैच करेगा, तो हम निकाल के देख लेते हैं क्योंकि निकालना तो पड़ेगा। तो यहाँ से कर लेते हैं पी एन क्यू का, हम दूसरा वाला निकाल लेते हैं क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा कि आप अगर कर सकते हो डायरेक्ट तो ठीक है, वरना आपको निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पी क्यू का निकाल लेते हैं, ओके। और ये जो है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में दोनों फॉल्स होगा तभी केस में वो फॉल्स होगा, अदरवाइज हर केस में ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे ट्रू, दिस इज ट्रू, यहाँ से पी क्यू का अगेन ट्रू, फॉल्स ट्रू, अगेन फॉल्स ट्रू ट्रू, बिकॉज एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू होगा। और ये दोनों सॉरी फॉल्स है, यहाँ पे ये दोनों फॉल्स है तो इस केस में ये फॉल्स। मतलब एक बार जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे ना, फिर आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा है। तो इसमें ये है, तो इन दोनों का इसका जो आंसर हुआ वो हो गया थर्ड, ओके। सो बेसिक सी बात है, इसमें यही इन दो टाइप्स पे क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशनल एंड और ऑपरेटर और एंड एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसके अलावा और कोई खास तरीका नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए। और इसके रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, कोई भी पूछना कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे आसपास में लिंक आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो, वहाँ आप मुझे DM कर सकते हो। साथ ही में एक मैंने नीचे प्रैक्टिस पेपर के लिए एक वेबसाइट का नाम दिया है, www.educationtale.blogspot.com। आप वहाँ से सारे प्रैक्टिस पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, और कुछ कोई भी क्वेरी आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो, ओके। सो मिलते हैं नए वीडियो में।